हेलो एवरीवन, पांडे की क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स की, कि कैसे हम अमीन को बनाते हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर स्टूडेंट ले चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन और आइसोमेरिज्म, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की। अगर हमें नाइट्रो कंपाउंड गिवन है स्टूडेंट, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अमीन ग्रुप में। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ रिएजेंट याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट, जिसमें मैं सबसे पहले जो अपने इस्तेमाल करता हूं H2O-nickel, सबसे इजीली रिडक्शन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। H2O-platinum, H2O-platinum। इसके अलावा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पॉपुलर है वो क्या है, Fe-HCl, आयरन स्क्रैप विद HCl, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आता है Tin-HCl, इनमें से आपने एग्जाम में कोई एक ही लिखना है, ध्यान रखें। इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर देते हैं हम कई बार, सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी इस्तेमाल करते हैं। और एक है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके साथ क्या है स्टूडेंट, एक टर्म और कंडीशन है कि ये केवल एलिफैटिक के लिए है। ये केवल किसके लिए है, एलिफैटिक के लिए। बाकी जो सारे हैं यहाँ पे आर आपका मिथाइल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी एरोमेटिक के लिए भी है और एलिफैटिक के लिए भी है। तो आपको पास एरोमेटिक आ जाए नाइट्रो कंपाउंड या एलिफैटिक आ जाए, तो इनमें से कोई भी एक रिएजेंट आप लगा दें, NO2 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे, केवल एलिफैटिक के लिए है, एरोमेटिक के केस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, अभी बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आयरन, क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर Tin-HCl, वाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट 1 मार्क्स में। तो आप क्या कहेंगे कि आयरन स्क्रैप में जो Fe+HCl जो आपस में रिएक्शन करके स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे Fe+HCl रिएक्शन होता है तो यहाँ पे FeCl2 बनता है, मगर ये FeCl2 की फिर हाइड्रोलाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट करता है, फिर HCl रिलीज कर देता है, तो HCl फिर इस्तेमाल हो जाता है आयरन के साथ। तो इनिशिएशन में हमें स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा HCl देना पड़ता है, बाकी रिएक्शन में हमें इतनी ज्यादा HCl को देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रेफर्ड मेथड कहलाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि सर इसको यूज कैसे करते हैं, रिएक्शन एग्जाम में कैसे आएंगे उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे ये आ गया नाइट्रो, कहेंगे इथाइल नाइट्रोइथेन को इथाइल अमीन में कन्वर्ट करो, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करो, एजाइल ग्रुप लगा रहेगा, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1 पे आ जाएगा नाइट्रो फिनाइल मीथेन, इसको कन्वर्ट करो बेंजाइल अमीन के अंदर। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको बस सिंपल है, जो भी रिएजेंट आपको अच्छा लगता है Fe-HCl लिख दीजिए, क्या हो जाएगा NO2 की जगह स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका NH2 ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें यहां पे करना है Tin-HCl डाल दीजिए, H2O-platinum डाल दीजिए, जो भी आपको रिएजेंट याद रहता है इजिली वो डाल, बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। एरोमेटिक के केस में बेंजाइल है, H2O-nickel, जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर LAH डाल देंगे तो क्या होगा। तो एरोमेटिक के केस में जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ करते हैं, तो हमें एजोबेंजीन मिल जाता है स्टूडेंट, क्या मिल जाता है, एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन की प्रेपरेशन होती है, इसलिए हम एरोमेटिक केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं डालते, मगर हमें एजोबेंजीन बनाना है तो यही मेथड हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट होफमैन अमोनोलाइसिस, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या, होफमैन अमोनोलाइसिस। अब होफमैन अमोनोलाइसिस जनरली किसके लिए स्टूडेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी साल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस इज जनरली फॉर द एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द एरोमेटिक, क्यों वो सब अभी समझते हैं। हम करते हैं क्या स्टूडेंट, अगर हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया और उसकी जब हम रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, उसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर, अगर आपको टेम्परेचर याद है वैलेंट ग्रुप में, तो हीटिंग का आप सिंबल डाल दें केवल। तो जब अल्काइल हैलाइड के अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका एच और इसका एक्स बाहर निकल जाता है और क्या बन गया, बन गया हमें प्राइमरी अमीन बन गया, और प्राइमरी अमीन के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट,
एच एक्स। हम ऐसा करते हैं आर को थोड़ा सा ग्रुप ले लेते हैं, क्योंकि आर से कई बार समझ नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। तो मान लो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है और मैंने उसकी अमोनिया के साथ स्टूडेंट रिएक्शन की, 373 केल्विन पर हीट किया, तो क्या होगा यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, मिथाइल अमीन और प्लस क्या हो गया HCl। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसमें अगर अब ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू चलेगी, अब इसमें जो हमारा अल्काइल हैलाइड था ऐसा तो है कि सारा का सारा यूज हो गया, वो फर्दर इसके साथ रिएक्शन करता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्कैंडियमीन में, तो डाई मिथाइल अमीन बन जाएगा और साथ में HCl तो बाहर निकली रहे। फिर क्या होगा इसमें अगला मोलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का इसके साथ जाकर ट्रीट कर लेगा और क्या बना देगा, ट्राई मिथाइल अमीन या फिर हम टर्शियरी अमीन की बात करेंगे, और इसमें अगर हम फर्दर अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं तो ये हमें क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है क्वार्टरनरी। अब ये मेथड आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो सही है स्टूडेंट, मगर लेबोरेटरी पर्पस में ये मेथड अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जिसको सेपरेट करना क्या होता है डिफिकल्ट होता है लेबोरेटरी पर्पस से, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लिमिटेशंस की बात मैंने आपको बता दी कि जितने एराइल हैलाइड हैं वो ये रिएक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते स्टूडेंट, क्योंकि जो एराइल हैलाइड हैं आपको पता है ड्यू टू रेजोनेंस दे एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अल्काइल हैलाइड की बात करें हम, तो जब अगर अल्काइल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन है ब्रोमोबेंजीन है तो आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस लग जाएगा और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जो कि इजिली रिएक्शन शो नहीं करने देता, इसलिए एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्टी जो शो करते हैं, इसलिए इसलिए हम होफमैन अमोनोलाइसिस में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, तो सिंपल सा रिएजेंट इस्तेमाल करना स्टूडेंट, दो स्टेप में आपको बात करनी है। पहले हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम उसकी क्या कर देंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये दो स्टेप आपने हर एक एरो के ऊपर लिखने हैं। तो करना होगा क्या, उससे जो ये साइनो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में, तो क्या हो जाएगा CH3CH2CH2NH2। तो हमारे पास जो इथाइल साइनाइड है उससे क्या बन गया प्रोपेन वन अमीन, तो कन्वर्जन के काम आता है, जितने कार्बन का आपका साइनाइड होगा उतने कार्बन का हमें अमीन मिल जाएगा। अब बेंजो साइनाइड है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अमीन में, तो यहां क्या हो गया CH2NH2। रिएजेंट मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब यही हमने अगर आइसोसाइनाइड के साथ किया स्टूडेंट तो हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है, साइनाइड के साथ आपको प्राइमरी अमीन मिल रहा है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहां पे क्या मिल जाएगा CH3CH2NHCH3। अब एक खास बात और भी याद रखने वाली है कि हमें जो सेकेंडरी अमीन मिलेगा वो ऐसा नहीं है कोई भी सेकेंडरी अमीन हम बना सकते हैं, एन मिथाइल इथेन अमीन यानी एन मिथाइल का सेकेंडरी अमीन ही आपको मिलेगा। जैसे फिनाइल आइसोसाइनाइड है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NHCH3, एन मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कन्वर्जन में भी आता है, इसलिए हमेशा स्टूडेंट आप जब भी कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर जरूर करें। जैसे मैं बोलता रहता हूँ फिनाइल आइसोसाइनाइड एन मिथाइल एनिलीन, इनके नाम लिखा करें, ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह ऑर्गेनिक समझ आएगी। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं हम, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं आइसोसाइनाइड की, आइसोसाइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस से भी प्राइमरी अमीन बनता है, तो वाटर के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या मिल जाता है प्राइमरी अमीन प्लस जो ये कार्बन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे इसका मैकेनिज्म चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अगर मेरे को एमाइड गिवन है तब हम क्या करेंगे। एमाइड के केस में स्टूडेंट हमें क्या करना है, एमाइड के केस में भी हमें वही करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और सेकंड स्टेप में हम क्या कर देंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। अब ये सेम रिएजेंट आपने हर जगह लिखना है, बस अब आपको समझना है क्या है कि जहां CONH2 ग्रुप होगा ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा RCH2NH2, यानी एमाइड ग्रुप एक तरह से CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास एसिटेमाइड है और मुझे कोई कह रहा है क्या बनाना है इथेन अमीन, तो CH3CH2NH2 हमारे पास क्या बने इथेन अमीन या इथाइल अमीन बोल देते हैं।
अब बेंजामाइड है, ये कन्वर्जन आती है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू बेंजाइलमीन। तो बस आपने यही प्रोसेस लगा लिया, एमाइड ग्रुप की क्या करते हैं हम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अमीन। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप का मतलब CONH2 था तो एमाइड था, उसके एच की जगह मैंने एक मिथाइल लगा दी, इसको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बोलते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड के एक साथ रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2NH, और यहाँ पे क्या है मिथाइल, तो हमें स्कैंड्री अमीन मिलेगा। और अगर डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी अमीन मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब स्टूडेंट, आप इस मेथड का इस्तेमाल करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों टाइप की अमीन बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने एमाइड कौन सा लिया है। अगर आप CONH2 लेते हैं तो प्राइमरी अमीन बनेगा, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लेते हैं तो सेकेंडरी, और डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप लेते हैं तो टर्शियरी अमीन आपको क्या होगा मिलेगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन CBSE की, और 2019 या 18 में बोर्ड में भी आई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CBSE पॉइंट, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। दो क्वेश्चन, एक तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि वाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन की बात करें, एलिफेटिक और अर अल्काइल, नॉट फॉर एराइल, इंपॉर्टेंट है। अर अल्काइल का मतलब क्या हो गया, बेंजीन के साथ जैसे कि मैंने लगा दिया बीच में CH2 बेंजाइल अमीन, तो इस टाइप के कंपाउंड में भी इस्तेमाल होता है एलिफेटिक। तो करते क्या स्टूडेंट, हम थैलीमाइड लेते हैं, ठीक है। अब थैलीमाइड में हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी KOH के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर जाते हैं पोटाशियम थैलीमाइड में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटाशियम साल्ट बन गया थैलीमाइड एन के पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अब आपने जो भी प्राइमरी अमीन बनाना है, मान लो मेरे को बनाना है इथाइल अमीन तो मैं इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा, मुझे बनाना है बेंजाइल अमीन तो मैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा। तो जो भी मैंने क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड हैलाइड लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया RX, जो भी अल्काइल ग्रुप आपको ऐड कराना है या अर अल्काइल ग्रुप ऐड कराना है आप ले लीजिए, इसका एक्स और के बाहर माइनस के एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेम आपने जहां पे पोटेशियम था उसकी जगह क्या देगा हमारा, जो भी ग्रुप आपने ऐड करा है आर ग्रुप ऐड कर दे, और इसकी जब हम एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, तो हमें क्या मिल जाता है, एक तो हमें मिल जाता है थैलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, क्या मिल गया हमें थैलिक एसिड। नाम भी याद रखिएगा, कन्वर्जन में आता है हाउ यू कन्वर्ट थैलीमाइड इनटू थैलिक एसिड, तब भी आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस RNH2, प्लस क्या बन गया RNH2, जो भी अल्काइल ग्रुप आपने लगाया था उसका आपको प्राइमरी अमीन क्या हो जाएगा मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया था इथाइल अमीन CH3CH2Cl, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा CH3CH2NH2, यानी इथाइल क्लोराइड से इथाइल अमीन आ जाए तब भी आप गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने लिमिटेशन इसकी एक्सप्लेन आपको कर ही दी स्टूडेंट की, इसकी लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन टोलविडीन, इसमें इनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सेम वही रीजन कि स्टूडेंट अगर मैं क्लोरोबेंजीन अगर डालूंगा तो क्लोरोबेंजीन क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन इजीली शो नहीं करता, जैसा कि हमने होफमैन एमोनोलाइसिस में भी डिस्कस किया था, पार्शली क्या कर लेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो मैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसे काउंट करता हूं, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, या फिर कई बार आता है डिग्रेडेशन रिएक्शन, तब भी हम यानी एक कार्बन कम का आपको प्राइमरी अमीन अगर बनाना है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एमाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट किया था, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थे, अब मुझे क्या करना है एक कार्बन कम करना है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट एमाइड के हम ब्रोमीन 4KOH या आप NaOH इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है इसको प्राइमरी अमीन में, RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या बन जाएगा स्टूडेंट वाटर। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम एमाइड की ब्रोमीन और 4KOH के साथ रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अमीन
टू के बी आर के टू सी आर टू सी ओ थ्री और वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। अब आपने सिंपली अब आपको एस्टेमाइड आ गया कहेंगे मीथेन अमीन बनाओ, यहाँ पे दो कार्बन है वहां पे एक कार्बन है तो हमने क्या करना है ब्रोमीन ओब्लिग KOH और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2। अगर आपको कंप्लीट करने को रिएक्शन आती है स्टूडेंट बैलेंस पूरी करनी है कन्वर्जन में आप शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बेंजेमाइड है तो ब्रोमीन ओब्लिग 4KOH यहाँ पे 4 डाल दो ताकि आपको याद रहे बैलेंसिंग के टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा एनिलीन बन जाएगा। बाद में बाकी साइड प्रोडक्ट जो ये सारा कुछ है ये सेम रहेगा ये एज इट इज आप यहाँ पे भी लगाएंगे ये एज इट इज के साथ भी रखेंगे। तो जब अगर आपको कंप्लीट आता है तो सारा कुछ कितना जरूरी होता है स्टूडेंट मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ कन्वर्जन के ऊपर 1 मिनट की उनको भी आप देख सकते हो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में उसकी मिल जाएगा जैसे होफमैन डेरिवेशन मैंने 1 मिनट में वहां पर भी शॉर्टकट में समझाया है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोजेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्लेजन स्किमिडेट रिएक्शन ये जनरली सीबीएसई में नहीं पूछी जाती है मगर जो कॉम्पिटिशन में है इन रिएक्शन के ऊपर भी बात होती है तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कैरी करूंगा। अब तक मैंने जो आपको रिएक्शन कराई है ये सब सीबीएसई बोर्ड में हरियाणा बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड जितने बोर्ड है उनमें ये एग्जाम में पूछी जाती है तो इनको अच्छी तरह याद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू हैव ए नाइस डे।